तो हे गाइस, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ आप सबके लिए एक और रक्षाबंधन स्पेशल लेफ्ट राइट स्टेटस वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर, जो कि अभी आप लोगों ने वीडियो को प्रीव्यू में देख लिया है। तो सेम टू सेम प्रीव्यू के जैसा एक लेफ्ट राइट स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मैं इसमें जितने भी मटेरियल यूज़ करूँगा वीडियो बनाने के लिए, सभी का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। सो अब मैं आप लोग चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप लोग इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोग अपना अलाइट मोशन एप्लीकेशन यहां से ओपन कर लेना। जिस भाई के पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकता है। तो यहां से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को यहां से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पर आ जाएगा। अब आपको यहां पर आने के बाद आपको एक सॉन्ग बीटमार्क का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग को क्लिक करना है एंड यहां पर आप लोग को अलाइट मोशन ऐप में इंपोर्ट कर लेना है। मैं पहले से इंपोर्ट किया हुआ हूं, इसलिए यहां पर मैं प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। ये देख सकते हो मेरा सॉन्ग बीट मार्क है, इसी को मैं इंपोर्ट किया हूं। आप लोग भी यहां पर इंपोर्ट कर लेना। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करना और अलाइट मोशन ऐप में इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट हो जाने के बाद यहां पर आप लोग क्लिक कर देना। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो यहां से आपका जितना इफेक्ट होगा, लिरिक्स होगा, यहां पर आप लोग को दिख जाएगा। बट आपको क्या करना है, यहां पर आप लोग थोड़ा सा नीचे साइड में स्क्रॉल करना एंड यहां पर इस वाली लेयर में देखोगे, सबसे नीचे वाली लेयर में देखोगे तो मेरे चैनल का लोगो लगा हुआ दिखेगा आप लोगों को। इसमें आप लोग को अपना फोटो सपोर्ट करना है, रक्षाबंधन का आप अपना फोटो ऐड कर सकते हो या फिर किसी और का फोटो इसमें लगा सकते हो। अगर मेरी तरह की फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो तो फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोग को 7 से 8 फोटो ऐड कर लेना है। यहां पर देख सकते हो जितना भी लेयर दिखेगा, जैसे कि फर्स्ट लेयर ये है, सेकेंड लेयर ये है, यहाँ पर आप लोग को 7 से 8 फोटो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा एंड यहाँ पर आप लोग को फोटो को ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट में आ जाना आपको वीडियो के एंड यहाँ पर आप लोग फर्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करना जिसमें मेरा चैनल का लोगो लगा हुआ है, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना, स्टार के बॉक्स पर जाना। आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अपनी गैलरी से आप लोग जिस भी फोटो को ऐड करना चाहते हो आप लोग फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना, देन प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना। तो गाइस देख सकते हो आपका फर्स्ट वाला लेयर में फर्स्ट वाला फोटो यहाँ पर ऐड हो गया है, आप लोग देख सकते हो। अब आपको सेकंड वाले लेयर में आना है, इसमें भी आप लोग को फोटो ऐड करना है। तो पहले लेयर पर आप लोग क्लिक कर देना, यहाँ पर कलर एंड फिल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना। स्टार के बॉक्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना। आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जिस भी फोटो को आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से फोटो को ऐड कर लेना, देन प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना। आप देख सकते हो आपका दूसरा फोटो भी यहाँ से ऐड हो गया है। अब आपको तीसरी लेयर में आना है और इसी तरह आप लोग को फोटो को ऐड कर लेना है। 7 से 8 फोटो आप लोगों को यहां से ऐड कर लेना है। मैं फोटो को ऐड करके आपसे मिलता हूं। तो गाइस देख सकते हो यहां पर मैं सारे फोटो को लेयर में ऐड कर लिया हूं, आप लोग भी इसी तरह ऐड कर लेना। देन ऐड हो जाने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद गाइस यहां पर आप लोग थोड़ा सा नीचे साइड में यहां पर ऐसे स्क्रॉल कर देना ऊपर साइड में। यहां पर आप लोग देखोगे तो 5 लेयर दिखेगा ऊपर साइड का। ये 5वां लेयर का आँख जो है इसका बंद होगा, तो आँख को यहाँ से आप लोग को ऑन कर देना है। आँख पर जस्ट क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग को एक एक करके सभी आँख को आपको यहाँ से ऑन कर देना है, तभी आपका सारा इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा। तो इतना आप लोग को यहाँ से कर लेना है गाइस। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको लिरिक्स वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है। लिरिक्स वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ऐड करना है, तो एक प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। इसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपका जहाँ कहीं भी डाउनलोड लिरिक्स रखा हो उसको आप लोग यहाँ से ऐड कर लेना। देन गाइस ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या करना, लिरिक्स वीडियो लेयर पर आप लोग क्लिक करना। अब जो व्हाइट पट्टी आपका दिख रहा है इसको आप लोग को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो लिरिक्स वीडियो लेयर पर क्लिक कर देना एंड नीचे साइड में देखोगे तो एक इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना एंड ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देना। अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब आपको यहाँ पर क्रोमा की सर्च कर लेना है। मैं पहले से ही सर्च किया हूँ, ये देख सकते हो क्रोमा की यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग सर्च करके मंगवा लेना। अब यहाँ पर मैं पहले से ही सर्च किया हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, आप लोग भी क्लिक करना। अब आपको स्टैंडर्ड सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिखेगा छोटे साइज में, इसको आप लोग यहाँ से क्लिक करना है। देन यहाँ पर बहुत सारा बॉक्स हर एक कलर में दिखेगा, तो यहाँ पर व्हाइट कलर का बॉक्स आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है। तो गाइस अब आप देख सकते हो आपका जो व्हाइट पट्टी था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब आपका लिरिक्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से दिखने लगा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे साइड में देखोगे तो एक मूव एंड ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। अब आपको क्या करना है, अपने फिंगर से पकड़ के लिरिक्स को नीचे साइड में थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करना है एंड जहाँ पर व्हाइट इफेक्ट आपका रखा है यहाँ पर आप लोग को नीचे साइड में लिरिक्स को बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर देना है। देन गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से बैक आना है। अब आपको यहाँ पर एक काम और करना है गाइस। अभी आप देख सकते हो इसमें
जिसमें मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम विक्की टेक्निक आप लोग को लिखा हुआ दिखेगा, ये देख सकते हो नीचे साइड में लिरिक्स के नीचे आप लोग देख सकते हो। तो इसको आप लोग को रिमूव करके आप लोग अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर एक लेयर में इंस्टाग्राम का यूजर नेम लिखा हुआ मिलेगा, इस वाली लेयर पर आप लोग क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर जो विक्की टेक्निक लिखा हुआ है इसको आप लोग यहाँ से रिमूव करके आपका जो भी इंस्टाग्राम का यूजर नेम हो उसको आप लोग यहाँ से ऐड कर लेना। देन ऐड हो जाने के बाद ऊपर साइड में राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो गाइज देख सकते हो आपने अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी ऐड कर दिया है। अब आपको इसमें एक काम और करना है, अब आपको वीडियो के लास्ट में आना है। आपने लिरिक्स वीडियो ऐड किया था, लिरिक्स वीडियो का जो एक्स्ट्रा लेयर रहेगा गाइज इसको आप लोग को यहाँ से डिलीट कर देना। जैसे कि देख सकते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पर टाइम लाइन को एकदम एंड में लेकर आएंगे एंड यहाँ पर आप लोग को लिरिक्स वीडियो लेयर पर क्लिक करना है एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा लिरिक्स का उसको आप लोग को यहाँ से कट कर देना है। देन गाइज इतना हो जाने के बाद आपका कंप्लीट वीडियो बन के रेडी हो जाता है, जिस तरह का वीडियो आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा था। तो इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है तो यहाँ पर आप लोग एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड इसके बाद वीडियो के ऑप्शन पर सेलेक्ट करके यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आपका जो वीडियो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, आप लोग वहाँ से किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर इसको अपलोड कर सकते हो। सो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ आपसे किसी और एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।